सांबा में चल रहे अति महाविष्णु यज्ञ में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संत बाल जोगेश्वर दास जी धर्म को आगे ले जाने के लिए सबसे पवित्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के परिजनों को दुख की घड़ी में उनका साथ देना एक अच्छी बात है और धर्म के रास्ते में रहकर ये काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन काम है और जब सुना तो संत के दर्शन के लिए वे यहाँ पहुँचे और उम्मीद करते हैं कि लगातार इसी तरह से वे शहीदों के परिवार का साथ देंगे। देखिए, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा पवित्र काम ये कर रहे हैं गुरु जी, जिन्होंने इस वतन के लिए शहादत दी है, उनके परिवारों के साथ उनकी हमदर्दी करते हैं, उनकी मुश्किलें दूर करते हैं। सरकार जितना कर सकी वो करेगी, मगर ये धर्म के रास्ते से उनकी मदद कर रहे हैं, उनके दुखों को, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकते, मगर जो दुख है उस दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये तो एक बहुत महान काम कर रहे हैं। और जब मैंने सुना तो मैं ज़रूर, मैंने कहा मैं इनके दर्शन करूँगा, कि ये वो काम कर रहे हैं जो ज़बरदस्त ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, ये नहीं देखते हैं कि आपका धर्म क्या है, कि आप किस प्रांत से हैं, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये शहीद है इसने वतन के लिए, कि आज अगर हम खड़े हैं, जिंदा हैं, ये उन्हीं शहीदों की मेहरबानी से है जिन्होंने जान दी है, ये वो काम कर रहे हैं। दी आर्थ न्यूज डेस्क के लिए सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट।